ये बंगाली शिल्प सोसाइटी की तरफ से आयोजन किया गया है यहाँ पे क्रिकेट का। खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और खेल में अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का जो मौका काशी में काशी विद्यापीठ के ग्राउंड को मिला है, इसके लिए हम विद्यापीठ के प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद करेंगे और यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी यहाँ पे मैच खेल रहे हैं खिलाड़ी उन सबको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और हम ये चाहेंगे कि जिस प्रकार का आयोजन वाराणसी स्वर्णकार शिल्प सोसाइटी यहाँ पर कर रही है, ये लगातार इसको करते रहे। हमारे अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही संदेश दिया है कि हर ब्लॉक पे एक खेल स्तर का बोर्ड बनेगा और वहाँ पे जो भी खिलाड़ी होंगे अपनी प्रतिभाओं को आकर के वहाँ पर वो अपना प्रदर्शन देंगे और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए वहाँ पर कोच भी होंगे। जिस प्रकार से वहाँ से वो ब्लॉक स्तर से निकल करके जिले स्तर और जिले स्तर से प्रदेश स्तर पर जाएंगे, उसका फ़ायदा खिलाड़ी को भी मिलेगा, उस प्रदेश को भी मिलेगा। और इसके लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं वर्तमान सरकार को जिन्होंने खेल को बहुत प्रोत्साहित किया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो भी दर्शक मंडल आए हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, वर्तमान में कितने वो सुखी हैं और खेल की भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए देवतुल्य हैं, उनको भी हमारा प्रणाम है। इस साल का लेकर के 17वां साल हम लोग का हो रहा है। इस खेल में बनारस का 7 टीम है, 1 टीम लखनऊ का है। क्या कहेंगे, 7 सालों से निरंतर के यहाँ पे क्रिकेट कराते चले आ रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है? खिलाड़ियों देखिए, हम लोग का सोनारी जो काम होता है, बहुत मेहनत का काम होता है, उसको बावजूद भी सवेरे एवं शाम को समय निकाल करके वो सब जो खेल को अभी तक पकड़ के रखे है, मैटर पर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, ये सब के लिए वो सब कारीगर का हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो सब जैसे साल भर में हम लोग इसीलिए एक्स्ट्रा टूर्नामेंट भी करा देते हैं, उसमें वो सबका मनोबल और बढ़ जाता है। देखिए, पहले तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह काशी स्वर्ण शिल्पी सोसाइटी के द्वारा, यह काशी की विद्यापीठ ग्राउंड जो वाराणसी के बहुत बड़ी खेल प्रतिभा को निकालने वाला एक ग्राउंड है, यहाँ पर से नेशनल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्तर पर यहाँ पर खिलाड़ी बहुत अच्छे ढंग से खेलकर आगे बढ़े हैं, अपने देश और अपने शहर का नाम रोशन किए हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ जो पश्चिम बंगाल के जो हमारे बंगाली बंधु हैं, यहाँ पर लगातार प्रत्येक वर्ष यह लोग क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं और जहाँ भी यह लोग रहते हैं वहाँ पर ये लोग अपने कारीगरी जो अपना जो काम करते हैं, या सोने चांदी के कारीगर लोग जो आज जो खेल कर रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट की प्रतियोगिता में आयोजन जो हुआ है, इसमें जो लोग प्रतिष्ठापित हुए हैं, आज फाइनल मैच है इसका, हम लोगों को बुलाया गया, हमको और शैलेश जी को यहाँ पर प्राइज वितरण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में। तो सबसे पहले इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि यह लोग अपने उत्कृष्ट कला जो सरकारी व्यवसाय में होती है उसके साथ साथ यह खेल के प्रति भी जागरूक हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे दिल्ली में भी हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, ये लगातार अपने अच्छे खेल से अपने को ऊंचा उठाने का और स्वास्थ्य के प्रति मजबूती का जो इनका एक रास्ता बना है, इसके लिए बहुत ये लोग लगनशील हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों को और यहाँ के जो सारे खिलाड़ी हैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और रह गई अपने खेल मंत्रालय द्वारा भी, भाजपा के द्वारा भी लगातार खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे खेल के प्रति भी, और जहाँ भी छोटे ग्राउंड है, जहाँ के छोटे खिलाड़ी हैं, उनको उचित व्यवस्था करके, उनको सहायता करके खेल को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का जो यह प्रयास है, यह आज कारगर दिखाई पड़ रहा है। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में, चाहे ओलंपिक रहा हो, चाहे क्रिकेट में रहा हो, चाहे फुटबॉल का भी स्तर बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर उठा हुआ है।
इस तरह से अगर खेल को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे देश का सर्वांगीण विकास खेल के प्रति भी होगा।